बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज भी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पूछताछ कर रही है। सिसोदिया से पूछताछ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है और इस मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। अब भी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। 3 दिन में दूसरा मौका है जब तिहाड़ जेल में ईडी सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। क्रिमिनल्स, अपराधी, पेशेवर अपराधी कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नजदीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश, वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के ही जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा, ये इशारा क्या कर रहे हैं? कोर्ट का आदेश है कि उनको विपासना सेल में रखा जाए जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है? आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं? तिहाड़ जेल या दिल्ली की कोई भी जेल वो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो मुख्यमंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री द्वारा वहां का प्रशासन कंट्रोल किया जाता है, तो वहां का प्रशासन तय करता है कि अपना सत्येंद्र जैन कौन सी जेल में रहेगा और मनीष सिसोदिया कौन सी जेल में रहेगा। तो ये आरोप लगाना कि भारत सरकार ने उनको किसी सेल में रखा जहां पे अपराधी हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इस वक्त मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे तिहाड़ जेल से मौजूद हैं। अक्षय, जिस बात की संभावना लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, ये दरअसल क्यों है और किस वजह से है? क्या वाकई ऐसा खतरा है भी उन्हें? देखिए नेहा, अगर बात की जाए तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी की, तो हाँ ऐसे ऐसे वाकये हुए हैं जब कैदियों के ऊपर हमले अंदर ही जेल के अंदर हो चुके हैं। लेकिन अगर हाई प्रोफाइल कैदियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर तिहाड़ जेल की अथॉरिटीज प्रदान करती है। अब अगर बात की जाए तिहाड़ जेल की अथॉरिटीज़ की और जिस बात को लेकर उठा पटक चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के अंडर है, दिल्ली सरकार के अंदर जेल अथॉरिटीज आती है, और वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें विपासना वाले सेल में नहीं रखा गया, तो बात पूरी तरह से दोनों की ही ठीक नहीं है। कुछ अथॉरिटीज, कई सारे अफसर जेल के जो है वो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर टॉप अफसरों की बात की जाए तो वो केंद्र के अंडर आते हैं। तो ऐसे में दोनों ही की जिम्मेदारी बनती है कि मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जिस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है, जिस तरह की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।